मजबूरी है, एटा साहब जरूरी है, जवानों की मजबूरी है, एटा साहब जरूरी है। राम माधव जी जिंदाबाद, 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 राम माधव जी जिंदाबाद। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, आज कश्मीर में नॉमिनेशंस का सिलसिला जारी है। जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहली बार यहाँ लेजिस्लेचर के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। एक बहुत ऐतिहासिक चुनाव ये साबित होगा। हमें पूरा विश्वास है कि जिनके कारण या जिन परिवारों के कारण 30-40 इयर्स तक वैली के लोग, जम्मू के लोग बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरते रहे हैं, उन परिवारों की छुट्टी होगी। एक नया नेतृत्व जम्मू कश्मीर में उभरेगी, वो पूरा भरोसा हमको है। जो शांति चाहने वाले, आतंकवाद का समर्थन बिल्कुल नहीं करने वाले, विकास चाहने वाले, ऐसे नए लोग, नए पार्टियां, नए लीडर्स कश्मीर घाटी में भी उभरेंगे। जम्मू में शांति, अमन, विकास का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। एक नए नेतृत्व के नेतृत्व में इस नया यूटी का लेजिस्लेचर, नई सरकार यहाँ बनने जा रहा है। उसमें हमारे पार्टी की तरफ से, लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे युवा साथी इंजीनियर डीडीसी मेंबर एजाज हुसैन को बीजेपी ने एक कैंडिडेट के रूप में उतारा है। लाल चौक से इंजीनियर, यहाँ ऑलरेडी डीडीसी रहते हुए बहुत कुछ काम किया है, उस काम को एक एमएलए रहते हुए और आगे बढ़ाएंगे। और कश्मीर की जनता से, विशेषकर लाल चौक की जनता से अपील करेंगे कि इंजीनियर को वोट दे। और जम्मू कश्मीर की जनता को हम याद दिलाएंगे कि पुराने दिनों की तरफ, पुरानी मुसीबतों की तरफ ले जाने के लिए जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं एनसी वाले, पीडीपी वाले और तमाम लोग जो खुलकर मिलिटेंटों का मदद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक्स मिलिटेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरे पास जानकारी आ रही है, खुलकर एनसी पीडीपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन में जुट गए हैं। यानी पुरानी बुरी हालात को वापस लेने के लिए जो पार्टियां चुनाव में उतरे हैं, उनको डिफीट करना पड़ेगा। नया नेतृत्व जो शांति, विकास चाहेगा, उस नेतृत्व को उभारना पड़ेगा। उसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता आगे आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बीजेपी के नेतृत्व में, बीजेपी की अगुवाई में एक नई सरकार इस राज्य में बनेगी। जम्मू कश्मीर की जनता की स्ट्रेटजी है, जम्मू कश्मीर के जनता की इच्छा है, नया नेतृत्व चाहिए। अच्छी संख्या में युवा आगे आ रहे हैं, उन युवाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो दो परिवारों के चंगुल में फंस गया सा ये राज्य पूरा, उन परिवारों को मुक्ति दे दो, उनको छुट्टी करो, इस राज्य को मुक्ति दिलाओ। उसके लिए नए युवा जो आ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र में सबके लिए स्थान है। लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव लड़ने के लिए कोई भी आ गया है, उनका हम स्वागत करेंगे। पर आतंकियों का या एक्स मिलिटेंट्स का सहारा लेकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इस चुनाव शांतिपूर्ण होगा, चुनाव एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, ये भरोसा मोदी जी का है। जैसा पार्लियामेंट चुनाव आपने देखा, कितना ट्रांसपेरेंट हुआ है, कितना स्वच्छ ढंग से चुनाव इस राज्य में संपन्न हुआ है। इससे राज्य के लोगों को भी भरोसा आया, इसलिए आप जिनका नाम ले रहे हैं वो भी आप चुनाव लड़ने पे विश्वास रख रहे हैं, वो भी आगे आ रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में अच्छा चुनाव होता है, सही चुनाव होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है, ये विश्वास मोदी जी ने दिलाया है। और इसमें सभी लोग आ गया है, लोकतांत्रिक ढंग से आ गया है, अच्छी बात है। नहीं, जरूर मैं कहता हूं कि बीजेपी इस राज्य में सबसे बड़ा दल के रूप में उभरने वाला है, और उसके बाद जो परिस्थिति निर्माण होगी उस पे हम अपना रणनीति उस समय तैयार करेंगे। बीजेपी इस राज्य में सबसे बड़ा दल बनने वाला है, उसके बाद ही बाकी लोग हैं। अमित शाह जी का प्रवास जम्मू में होने वाला है 6-7 तारीख को, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और नेताओं का भी इस राज्य में दौरा। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर हम दिल की गहराइयों से राम माधव जी का सम्मान नहीं करते। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ हमें हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। दिल की अम्मी गहराइयों से राम माधव जी का इस्तकबाल करते हैं हम इधर। चलो कैंडिडेट को डालिए। तो भाई